संसार में त्राही त्राही मची हुई है, हर जगह युद्ध हो रहा है, एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। हेलो दोस्तों, आई एम सुजीत कुमार, स्वागत किया जाता है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। वीडियो को पूरा देख लेना और देखने के बाद शेयर जरूर कर देना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे ही इस पृथ्वी पर कलिसिया उठाने के बाद जब परमेश्वर चौथी मोहर खोलेगा तो दुनिया भर में आफतें टूटना शुरू हो जाएंगी। परमेश्वर जानवरों के अंदर एक ऐसी बुद्धि बैठा देगा कि वे एक दूसरे को फाड़ना नोचना शुरू कर देंगे। यशायाह की पुस्तक 18:6 में लिखा हुआ है। अब पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ अप के लिए। वे पहाड़ों के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं के लिए इकट्ठा पड़े रहेंगे और मांसाहारी पक्षी तो उनको नोचते नोचते धूप काल बिताएंगे और सब भांति के वन पशु उनको खाते खाते जाड़ा काटेंगे। इस पृथ्वी पर लाशें ही लाशें पड़ी रहेंगी, जानवर नोच नोच के खाएंगे। प्रकाशित वाक्य के 6:7 में लिखा हुआ है, और जब उसने चौथी मोहर खोली परमेश्वर ने, तो मैंने चौथे प्राणी को यह शब्द कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे, और उन्हें इस पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। जब परमेश्वर चौथी मोहर खोलेगा कलिसिया उठाने के बाद, तब इस पृथ्वी पर दुनिया भर की आफतें टूटना शुरू हो जाएंगी। परमेश्वर जानवरों के अंदर एक ऐसी बुद्धि बैठा देगा कि वे मनुष्यों को फाड़ना नोचना शुरू कर देंगे। उस समय जो मनुष्य अपने घर में घुसा रहेगा वह भूख से मरेगा और जो बाहर निकलेगा वह तलवार से मारा जाएगा, बहुत तड़पाया जाएगा इस पृथ्वी पर। यह यहेजकेल की पुस्तक 7:15 में लिखा हुआ है, बाहर तलवार और भीतर महंगी उमरी है, जो मैदान में हुआ तलवार से मारा जाएगा और जो घर में घुसा रहेगा वह भूख से और मरी से मारा जाएगा। उस समय मसीह विरोधी के दिन में बहुत तड़पाया जाएगा, जो बाहर होगा वह तलवार से मारा जाएगा। अगर उस समय घर में घुसे रहोगे तो भूख से मरी से मारे जाओगे, बाहर कुछ लेने जाओगे तो तलवार से मारे जाओगे। इतना हाहाकार मचा होगा उस 7 साल में, लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी। मरकुस 13:14 से लेकर 19 तक हम पढ़ते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। तब जो यहूदी में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरें और भीतर जाएं और ना भीतर जाएं, जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटें। यहाँ क्यों ऐसा लिखा हुआ है, जो यहूदी में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं और जो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटें, क्योंकि भैया उस समय 3-3.5 साल ही बचेंगे और उन दिनों में, किन दिनों में, हम यानी मसीह विरोधी के दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि मसीह विरोधी के दिन में जिस किसी के स्त्री के पेट में बच्चा होगा उसका क्या हाल होगा। मारी मारी भागी भागी फिरेगी, त्राही त्राही मची होगी इस पृथ्वी पर। जब सैनिक लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां यीशु के लिए विलाप कर रही थी, रो रही थी, तो यीशु ने उन स्त्रियों से एक बात कही थी कि तुम मेरे लिए नहीं वरन अपने बच्चों के लिए जाकर रो, क्योंकि तुम लोगों ने अपने बच्चों को जन्म देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपने अपने बच्चों को तो जन्म दे दिया है, आप तो यीशु पर विश्वास करते हैं, आप तो यीशु के साथ स्वर्ग चली जाएंगी, और अगर आपका बेटा यीशु पर विश्वास नहीं करता होगा, अगर वह मसीह विरोधी के हाथ में फंस गया, पड़ गया मसीह विरोधी के दिन में, आपका बेटा तो तलवार से मारा जाएगा, बहुत तड़पाया जाएगा। इसलिए सभी लोगों से बताया जा रहा है कि यीशु मसीह पर विश्वास कर लो, पाप मत करो। आगे 18 में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में ना हो जाए, क्योंकि वह दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी अब तक कभी ना हुए होंगे और ना कभी होंगे। ऐसा भारी क्लेश होगा मसीह विरोधी के दिन में। प्रकाशित वाक्य 16:6-3 से लेकर 6 तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ के लिए। और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुओं का लहू बन गया, और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। मसीह विरोधी के दिन में परमेश्वर प्रकोप के 7 कटोरे इस पृथ्वी पर उंडेले जाएंगे। जब परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा कि जाओ मेरे प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो, जिस नल से आप लोग पानी निकालते हैं उससे खून निकलेगा। जब 4th कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेला जाएगा तो क्या होगा बताता हूँ। 7 साल का भारी क्लेश इस पृथ्वी पर होगा। उस समय जिस हेड पंप से आप लोग पानी निकालते हो उससे खून निकलेगा। तालाब में पानी लेने के लिए जाएंगे, वहाँ पानी नहीं लहू मिलेगा, लहू। नदियों में पानी लेने जाएंगे, पानी नहीं लहू मिलेगा।
झीलों में पानी लेने जाएंगे, पानी नहीं लहू मिलेगा, लहू पानी की जगह आपकी जी बैठेगी, चारों तरफ लहू मिलेगा। परमेश्वर हर जगह पानी की जगह लहू बना कर रख देगा, उस समय पानी की मारे आपकी जी बैठेगी, इतना हाहाकार मचा होगा उस इस पृथ्वी पर, परमेश्वर का कहर बरसेगा मेरे प्रियो। और पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि है पवित्र जो है और जो था, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज मसीह विश्वासियों को सताया जा रहा है, पुलिस वाले प्रार्थना करने नहीं दे रहे हैं, पास्टरों को मारा जा रहा है, इन लोगों को परमेश्वर लहू ही पिलाएगा, और जो यहाँ गलती से रह जाएगा यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जा पाएगा, कुछ न कुछ पाप करके यहाँ पर रह जाएगा, बहुत उसका तो बहुत ही बुरा हाल होगा। और उसके बाद जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा श्वेत सिंहासन के सामने, और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिलेगा, तो उसे स्वर्गदूत खींच तान कर नर्क में फेंक देंगे, और उस नर्क में एक बार चले गए तो वहाँ आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जब आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति नर्क में जाएगा, बचा लो अपने आपको नर्क जाने से। जो भाई बहन हमारे साथ में प्रभु यीशु का सुसमाचार फैलाना चाहते हैं, वो हमारी मिनिस्ट्री की बिल्कुल फ्री में मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए वो हमारी इस वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे वीडियो शेयर करने का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपकी हर एक समय सहायता करे।